अस्सलाम वालेकुम वुडियंस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छे से पढ़ाई करनी है सबने। आज हम मैथ्स का यूनिट नंबर 4 सीखेंगे, ठीक है? आए देखते हैं इसके अंदर क्या है। प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में प्रीवियस क्लास में आपको यूनिट 10 और 100 का जो है वो 100 तक का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट इंक्रीज होगा या इंक्लूड होगा वो है 1000 का, TH 1000, ठीक है? 1000 फोर डिजिट नंबर होता है, जैसा कि इस टेबल में से भी आपको नज़र आ रहा है। अभी हम आगे इस चैप्टर को मज़ीद देखेंगे तो फिर आपको ये बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। यू स्टैंड्स फॉर यूनिट्स, दैट इज़ वन डिजिट नंबर। टी स्टैंड्स फॉर टेंस, दैट इज़ टू डिजिट नंबर। एच स्टैंड्स फॉर 100, दैट इज़ थ्री डिजिट नंबर। टी एच स्टैंड्स फॉर 1000, दैट इज़ फोर डिजिट नंबर। और इसी तरह से आगे आगे चलेगा। आए हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओपन पेज नंबर 25। अच्छा जी, पेज नंबर 25 अगर आपने कभी ओपन किया तो आपको नजर आएगा कि राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। अब न्यूमरल्स में क्या लिखना है? 3, 10s, 4 यूनिट्स। इस तरह से आपको क्वेश्चन कुछ नजर आ रहे होंगे और आगे आपको ब्लैंक्स नजर आ रही है। उसके बाद देखिए 9, 10s और 9 यूनिट्स, ये दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें देखें सिंपल करना क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि राइट साइड से शुरू करते हैं और यूनिट सबसे पहले लिखते हैं। तो हम बजाय 3 पहले लिखने के हम पहले क्या लिखेंगे? 4। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और फिर टेंस का क्या है? 3। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी तरह यूनिट्स का ये क्या है? 9। 9 आ जाएगा। टेंस का क्या है? 9। तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से इसके ऊपर पेज के ऊपर मौजूद सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। अच्छा, पेज नंबर 26 पे भी बिल्कुल सेम इसी तरह से न्यूमरल्स हैं और उसके बाद इनके नेम्स भी हैं। जैसे ये 3 और 4 है ना, 3 और 4 को हम क्या कहते हैं? 34। तो हम आगे नेम इसका क्या लिखेंगे? 34। ये क्या है? 99। तो आगे हम इसका नेम क्या लिखेंगे? 99 एंड सो ऑन। इस पेज के ऊपर इसी तरह से सॉल्यूशन होगा। ओके जी, ओपन पेज नंबर 27। अब इस पे भी प्लेस वैल्यू में क्वेश्चन में लिखती हूँ ताकि आप लोगों को फिर मैं समझा सकूँ इजीली। क्वेश्चन है इन 137 डैश इज फॉर 100। दोबारा क्या है? 9। 10 के नीचे भी क्या आ जाएगा? 9।
चौथा पार्ट है जो इसमें एक ही उन्होंने दिया हुआ है, यूनिट के नीचे क्या आ रहा है, जीरो, ये जीरो यूनिट के नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये यूनिट का कॉलम हमें ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा जीरो किसके नीचे आ जाएगा, टेंथ के नीचे आ जाएगा, तीसरा जीरो किसके नीचे आ जाएगा, हंड्रेड के नीचे आ जाएगा, और सिंपली लास्ट में वन है वो थाउजेंड के नीचे आ जाएगा। इससे ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि थाउजेंड इज अ फोर डिजिट नंबर, वन टू थ्री फोर, आई होप इट्स क्लियर। ओपन पेज नंबर 28। अब पेज नंबर 28 पे आप देखिए प्लेस वैल्यूज उन्होंने हमसे पूछी है, डिजिट्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं, ठीक है, मैं कलर कलर की जगह अंडरलाइन कर देती हूँ डिजिट जो उन्होंने कलर किया है, ठीक है, 453 और 395। सिंपल सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऊपर लिखेंगे प्लेस वैल्यूज के नाम, यूनिट 10 और 100, यूनिट भी लिख सकते हैं, वंस भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, ठीक है। अब देखें इसमें 5 किसके नीचे आ रहा है, 100 के नीचे, तो 5 की क्या वैल्यू होगी, 100 इसके अंदर। इधर 5 किसके नीचे आ रहा है, टी, टी के नीचे, टी स्टैंड्स फॉर 10, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 10। और यहाँ पर 5 किसके नीचे आ रहा है, यूनिट या वंस के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व होंगे, आप लोग सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप जो है मेरे से पूछ लें। इसमें ये जो है आप लोगों ने देखने हैं रेड कलर वाले डिजिट्स देखने, पेज नंबर 28 के पार्ट 1 में रेड कलर के डिजिट्स देख के तो उनकी प्लेस वैल्यू आप लोगों ने लिखनी है, ये प्लेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद सिमिलर क्वेश्चन है अगला भी, बिल्कुल सेम है, ये देखें बुक के पेज पे देखें, इन 372 सेवन स्टैंड्स फॉर, अब सेवन आप देखें, इसमें भी आप यही करेंगे, यूनिट 10 और 100 जो है वो ऊपर लिख लें, और उसके बाद आपको प्लेस वैल्यू आइडेंटिफाई करनी बहुत आसान हो जाएगी। क्वेश्चन है जिसमें से मैंने कुछ जो पार्ट्स हैं वो सिलेक्ट करके लिखे हैं ताकि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग दी जाए। इस दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले जो आपको डिजिट्स नजर आ रहे हैं उसमें हमने इनके नेम्स लिखे होंगे, और दूसरे में आपको नेम्स नजर आ रहे हैं इनके हमने नंबर्स या न्यूमरल्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं। इसका इजी वे वही है, इसमें ऊपर मेंशन करना ताकि आप लोगों को इनके नाम लिखने में आसानी हो। अब देखिए 2 किसके अंडर आ रहा है, 100 के अंडर, तो हम क्या लिखेंगे, 200 74, तो 74 है, काउंटिंग या स्पेलिंग जो है वो आप देख चुके हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंट थोड़ा सा लिखा है, बाकी 100 वाले गिवन है इस पार्ट में, वो आपको सॉल्व करिएगा। दूसरा आप देखिए 1 किसके अंडर आ रहा है, 1000 के अंडर, और आगे कोई डिजिट नहीं है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1000, आई होप इट्स क्लियर। दूसरा देखिए आप 199, पेंसिल से आप ऊपर जो है वो 1000, 100, 10 और 1, पेंसिल से बार बार इसलिए कैसे, क्योंकि सॉल्व करने के बाद आप ये वाला पोर्शन अरेज करते हैं, रब करते हैं, ठीक है। अब 100 यानी कि 1 किसके नीचे आएगा, 100 के नीचे आएगा, एंड 99 तो 99 10 और 1 के नीचे आएगा, तो 199 आपका न्यूमरल्स है आपके। 705, 7 क्या है, 100, तो 7 किसके अंदर आएगा, 100 के अंदर आएगा, एंड 5, अब ये जरा समझने वाली बात है, 5 है सिर्फ एक डिजिट होगा तो हम कहाँ से लिखेंगे, राइट साइड से लिखेंगे 5, और बीच में जब एम्प्टी स्पेस होगी, इधर नहीं, ये तो पीछे है ना, बीच में जब खाली जगह होगी तो फिर हम वहां पर क्या प्लेस करेंगे, 0 प्लेस करेंगे। समझ में आती बात, ये 700 था तो 7 हमने 100 के नीचे लिख दिया, और सिर्फ 5 था, जब दो डिजिट्स थे तो दोनों डायरेक्टली हमने 10 और 1 में लिख दिए, लेकिन जब सिर्फ एक डिजिट था तो वो
दो एक डिजिट हम वंस के नीचे लिखेंगे पहले, और फिर जो खाली जगह बीच में बच जाएगी उसमें हम क्या लिख देंगे, जीरो। और लास्ट वन देखें, 1000, तो 1000 के नीचे क्या आएगा, वन, और कुछ भी नहीं है तो आगे सारे क्या आ जाएंगे, जीरो। पीछे जीरो लगाने का कोई फायदा नहीं होता, डिजिट से पीछे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आगे जो खाली जगह होती है उसमें हम जीरो लगाते हैं ताकि उस क्वेश्चन को जो है वो हम कंप्लीट कर सकें। ओके, इसमें लास्ट टू पेजेस पे जो है वो एक तो काउंटिंग है उर्दू में 21 से लेके 30 तक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये आनी चाहिए आपको उर्दू में लिखनी भी, और इसको उर्दू में इसकी इमला भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है लास्ट पेज पे टेबल है 6 का, ठीक है। 1 × 6 = 6, 6 × 2 × 6 = 12, 3 × 6 = 18, तो ये टेबल 6 का जो है वो आप लोगों को सीखना है। ओके जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, फिर भी किसी में प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करें, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।